हेलो हम पढ़ रहे हैं ब्रायोफाइट्स एंड आज हम डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइट के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम नाउ दिस स्ट्रक्चर इज़ इन नोन एज द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंथ्रीडियम इसमें एक जैकेट होता है विच इज़ मेड अप ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टल्स जो रिप्रोडक्टिव नहीं होते हैं स्टेराइल होते हैं और इसके अंदर ये जो सेल्स आपको नजर आ रहे हैं इनको स्पर्म मदर सेल्स कहते हैं जो मियोसिस के थ्रू ये स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसे हम एंथीरोजॉइड कहते हैं ब्रायफाइटा में एंटीरोजॉइड अक्सर स्पायरली कॉल्ड होता है और उसमें दो या दो से ज़्यादा फ्लैच प्रेजेंट है मल्टीपल फ्लैट प्रेजेंट हो सकते हैं दिस इज नोन एज एन आर्कीगोनियम दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इट लुक्स लाइक अ फ्लास्क ये एक फ्लास्क की तरह दिखता है इसके बाहर भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको हम जिसको हम जैकेट सेल्स कहते हैं सेंटर में यहाँ पर इसके पास एग होता है या ओस्फेयर जो मियोसिस के थ्रू बनता है एंड इट इज़ हेप्लॉयड इन नेचर एग के ऊपर इस हिस्से को हम वेंटर कहते हैं और इसमें एक सेल होता है जिसको वेंटर कैनाल सेल कहते हैं दिस पार्ट इज नोन एज अ नेक नेक में कुछ और सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं नेक कैनाल सेल्स ये देखिए दिज आर कॉल्ड नेक कैनाल सेल्स सो और उसके ऊपर दो सेल्स ढक्कन का काम करते हैं लिड तो आर्किगोनियम में बेसिकली यू हैव द लिड यू हैव द नेक एंड यू हैव द वेंटर लिड के जो दो सेल्स आपको दिख रहे हैं ये पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं नेक में हमारे पास कुछ सेल्स हैं जिन्हें नेक केनाल सेल्स कहते हैं ये भी पानी में डिजोल्व हो जाएंगे और वेंटर में हमारे पास दो सेल हैं वेंटर केनाल सेल एंड एग सेल वेंटर केनाल सेल भी पानी में डिज़ोल्व हो जाता है और ये एंथीरोजॉइड नेक के थ्रू ट्रैवल करके एग के साथ फ्यूज करके डिप्लॉयड जाइगोड बनाने में मदद करता है नाउ आपने देखा था ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स इसमें ये जो स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं दीज आर नोन एज आर्की फोर इस आर्किगोनियोफोर फोर में यहाँ पर नीचे की तरफ आर्किगोनियम प्रेजेंट है अगर आप इसको उल्टा देखेंगे तो इट विल लुक लाइक दिस इट विल लुक लाइक दिस और इसमें आप देखेंगे कि आपको आ, सेंटर में एक येलो कलर का एग नजर आ रहा है तो ये एक दो तीन चार पाँच छ छ आर्की गिया प्रेजेंट है विद एग एंड देर प्रेजेंट इन आर्की गियो फोर विच इज़ नोन एज द फीमेल गमीटो फाइट नाउ द मेल गमीटो फाइट लुक्स लाइक दिस जिसमें ये जो स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं इनको हम बोलते हैं एंथ्रीडियम इट हैज़ अ जैकेट और अंदर स्पर्म मदर सेल्स होती हैं अक्सर ये एक स्टॉक के साथ अरेंज होते हैं इसके ऊपर दिस इज नोन एज एंथ्रीडियम और एन्थ्रीडियो फोर तो ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन पानी की मदद से हमारे एंटीरोजो यहाँ से ट्रैवल करके आर्किगोनिया में जाकर फर्टिलाइज करते हैं एक्ो टू फॉर्म अगोट नाउ एज यू कैन सी है जब जयगोट बनता है तो जयगोट एक इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है विच इज नोन एज अ स्पोरोफाइट इट हैज़ अ फुट इट हैज़ अ सीटा एंड इट हैज़ अ कैप्सूल कैप्सूल के सेल्स ये कैप्सूल है कैप्सूल के सेल्स को स्पोर मदर सेल्स कहते हैं और ये मियोसिस अंडरगो करने के बाद छोटे छोटे स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं ये स्पोर्स जब इनको मिट्टी मिलती है तो ये जर्मिनेट करके एक इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसे हम प्रोटोनीमा कहते हैं दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटोनीमा ये एल्गे को रिजेंबल करता है सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोनीमा जो बाद में डिवाइड करके फिर से थैलस का स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा न दिस इज़ अ लाइफ साइकिल ऑफ अ ऑफामॉस ये देखिए ये मॉस है इसमें ये स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है विच हैज़ अ फुट अ सीठा एंड अ कैप्सूल कैप्सूल के ढक्कन को कैलेप्ट्रा कहा जाता है या ओपरक्यूलम कहा जाता है इसमें मियोसिस होगा इसमें स्पोर मदर सेल्स हैं ये स्पोर मदर सेल्स मियोसिस अंडरगो करने के बाद बहुत सारे स्पोर्स फॉर्म करते हैं ये स्पोर जब, जब जमीन पे गिरता है तो जर्मिनेट करके प्रोटोनिमा फॉर्म करता है प्रोटोनिमा से एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा विच इज विच विल फॉर्म अ स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दिस क्योंकि ये मियोसिस से बना है तो प्रोटोनीमा हमारा हेप्लॉयड है इट विल फॉर्म द प्लांट बॉडी राइट दिस प्लांट बॉडी विल हैव टू काइंड ऑफ ब्रांचेज वन इज कॉल्ड द मेल रिप्रोडक्टिव ब्रांच एंड द अदर वन विल बी अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ब्रांच मेल रिप्रोडक्टिव ब्रांच में एंथ्रीडियम प्रेजेंट है जो एंथीरोजॉयड्स बनाते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में आर्किगोनिया प्रेजेंट है जिसमें एग प्रेजेंट है ये स्पर्म्स या एंथीरोजॉयड आर की गोलियाँ के साथ फ्यूज़ करके जैगोट बनाते हैं और इसी जैगोट से स्पोरोफाइट बनता है ये स्पोरोफाइट फिर फुट सीट और कैप्सूल में डिवाइड हो जाता है सो इस तरह की डिविज़न जिसमें जिसमें स्पोरोफिटिक प्लान बॉडी और गेमीटोफिटिक प्लांट बॉडी एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेट करती है इसको हम बोलते हैं हेप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल यानी आधी लाइफ साइकिल इसकी डिप्लॉयड है और आधी लाइफ साइकिल इसकी हेप्लॉयड है और इस प्रोसेस को हम अक्सर ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन भी कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो स्पोरऑफ फाइट था हमारा फुटसीटा कैप्सूल ये मियोसिस अंडरगो करता है टू फॉर्म स्पोर्स ये स्पोर्स जर्मिनेट करके प्रोटोनिमा बनाते हैं फिर थैलस बनाते हैं जिसमें मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो गमीटो के थ्रू मेल गिमीट और फीमेल गिमीट फॉर्म करते हैं ये दोनों फ्यूज़ करके सिंग्यामी करके जयगोड बनाते हैं जिसमें मियोसिस होता है जो स्पोरोफाइड बनाएगा एंड फर्दर ऑन दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू सो दिस इज़ अबाउट ब्रायोफाइट्स थैंक यू एंड a नाइस nice डे